हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं लेवलिंग के ऊपर। और प्रीवियसली मैंने आपको गूगल क्लासरूम हो या फिर यूट्यूब हो, दोनों जगह आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया था और कुछ नोट्स थे मेरे पास जो लेवलिंग के थे, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। लेवलिंग में थ्योरी के अलावा एक चीज़ और है, जो कि है आपकी न्यूमेरिकल। वो ज़रूर पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के। अगर हम कुछ क्वेश्चन पेपर उठाएं तो रेगुलर बेसिस पे आप देखोगे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से या राइज एंड फॉल मेथड से एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जाएंगे। जो मेथड आज हम एडॉप्ट करेंगे वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होगी। कौन सी मेथड से करने वाले हैं? हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से करने वाले हैं। सो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, सवाल पढ़ देता हूँ। दी फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर ऑब्जर्व सक्सेसिवली विथ अ लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मूव्ड आफ्टर फोर्थ एंड सिक्स्थ रीडिंग ऑफ। देन आपकी कोई रीडिंग दे रखी है 2.25, 1.50, 0.95, 2.10, 2.90, 1.54, 0.75, 1.95 एंड लास्ट वन इज़ अ 2.10। आगे लिखा हुआ है इंटर द एबव रीडिंग इन द पेज ऑफ लेवल बुक एंड कैलकुलेट द RL। रिड्यूस लेवल आपको क्या करना है? निकालना है यहाँ पे ऑफ द पॉइंट बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। मेथड स्पेसिफिक सवाल में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक है कि आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की मदद से करना है। फिर लिखा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इफ द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन विथ स्टाफ हेल्ड ऑन बेंच मार्क 500 मीटर। बेंच मार्क की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन होगी, जैसे अभी इस सवाल में 500 दे रखी है, मोस्ट प्रोबेबली 100 से ज़्यादा कर या 200, खैर ये कुछ भी हो सकती है, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी सवाल को कर रहे हैं तो 100 ले लीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास और आपके पास कोई आपने मेज़र करे हैं, कोई रीडिंग्स निकाली हैं, तो आप 100 से ले सकते हैं, ईजी हो जाएगा करने में। तो देखिए, अभी जो हमारे पास लेवलिंग का सवाल है उसमें पहली चीज़ तो ये स्पेसिफिक है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से करना है। दूसरी बात ये कही गई है कि बेंच मार्क उन्होंने दे रखा है वो कितना है, 500 मीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? रिड्यूस लेवल निकालने हैं। मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस पे जहां आपने रीडिंग ले रखी है, जिनकी वैल्यू लाइन में यहां पे लिखी गई है 2.25 से लेके 2.10 मीटर तक, उन सारी रीडिंग्स के हिसाब से आपको लेवल निकालने हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस सवाल में लिखी हुई है वो ये है कि फोर्थ एंड सिक्स्थ रीडिंग पे आपका इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंट है वो चेंज हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन पॉइंट। अगर कोई रीडिंग, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ कि कब स्टाफ को चेंज करते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई आपकी सरफेस है और इस सरफेस पे आपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को लगा रखा है, ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। अब इस इंस्ट्रूमेंट की एक रेंज है, यहाँ तक वो विजिबल कर लिया लेकिन ये वाला पॉइंट वो विजिबल नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेने के लिए इस स्टाफ को उठा के अपनी पोजीशन को कहाँ करेंगे, मूव करेंगे, किसी और पोजीशन पे लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने अब स्टाफ को कहाँ लगा लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा दिया, तो डेट इज़ कॉल्ड योर चेंज इन पॉइंट। ये जो सिचुएशन है वो आपकी क्या कहलाएगी, CP, चेंज इन पॉइंट कहलाएगी। अब इस स्टाफ से आप क्या करेंगे, पहले तो प्रीवियस वाली रीडिंग लेंगे। आगे मैं बताऊंगा वीडियो में कि हम प्रीवियस रीडिंग क्यों लेंगे और मूव फॉरवर्ड कैसे होंगे। चलिए पहले हम क्वेश्चन की टेबल को फिलअप कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हम इस पे आगे वर्क करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल बना के रख रखा है प्रायरली, और अब हम उस टेबल के अंदर क्या करने वाले हैं, कुछ डेटा को फिल करने वाले हैं। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पर इजी वे में ये आने लगे, शो होने लगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एक रीडिंग्स दे रखी हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। हमने कोई एक स्टेशन मान ली है ABCDEFG करके, आप 1 2 3 स्टेशन ले सकते हैं, PQRST ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारी रीडिंग्स क्या दे रखी हैं, 2.25।
तो हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आता है बैक साइड, देन आता है इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट की साइड के बाद आता है फोर साइड, फोर साइड के बाद आता है आपका यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एच आई से आप जिसे डिनोट करोगे, देन आपका आता है आर एल रिड्यूस लेवल, एंड उसके बाद रिमार्क। आपको अगर कोई इसके अंदर रिमार्क फिल करना है, कोई रिमार्क देना है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। देन अब होगा क्या कि जैसे ही आप इस तरीके की टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग रीडिंग है, तो इन रीडिंग्स को आप कैसे, किस वाले बॉक्स में या किस वाले कॉलम के अंदर, रो में कौन सी वाली रीडिंग आएगी, इसका आइडेंटिफिकेशन करना सबसे पहले आना चाहिए। ये जो सवाल मैंने चूज़ करा है, इस सवाल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके जो भी टिपिकल केस बन सकते हैं, वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जो रीडिंग दे रखी होगी, फर्स्ट वाली जो रीडिंग होगी, पहली जो रीडिंग होगी, वो आपकी हमेशा बैक साइड में आएगी। पहली रीडिंग हमेशा काहे में आएगी, बैक साइड में आएगी। तो पहली रीडिंग तो लिख दी मैंने 2.25। अब जो दूसरी रीडिंग है, वो फोर साइड भी हो सकती है, इंटरमीडिएट साइड भी हो सकती है। तो हम सवाल को पढ़ेंगे कि इस केस में ये फोर साइड है या इंटरमीडिएट साइड है, हम इस वाले बॉक्स में लिखें बी को या यहाँ पे लिखें। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दी इंस्ट्रूमेंट इज मूव्ड आफ्टर, किसके बाद, फोर्थ के बाद चेंज हुआ है और सिक्स के बाद चेंज हुआ है, हाँ या ना? तो फोर्थ वाली रीडिंग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ के बाद चेंज हुआ है ना, तो फिफ्थ काय में जाएगी, बैक साइड में जाएगी। तो बैक साइड के लेने के जस्ट पहले आप क्या लेते हैं, फोर साइड लेते हैं, और फोर साइड और बैक साइड के बीच में जो इतनी भी रीडिंग होती हैं, वो सारी की सारी आपकी कौन सी कहलाती हैं, इंटरमीडिएट साइड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इंटरमीडिएट साइड कहलाती हैं। तो दूसरी रीडिंग आ गई 1.50, तीसरी आ गई 0.95, एंड फोर्थ वन इज़ अ 2.10, वो कहाँ चली गई आपकी, फोर साइड में चली गई। पांचवी रीडिंग उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो अभी मैं एक डायग्राम की मदद से समझा रहा हूँ, जस्ट इसे फिल करने के बाद 2.90 बैक साइड में आएगी, और पॉइंट सिमिलर रहेगा, डी वाले स्टेशन पे ही आएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये कोई आपकी ग्राउंड है जिस पे आपको रीडिंग लेनी है। सो आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट करा, ये पहला इंस्ट्रूमेंट आपने सेट करा, और यहाँ से आप रीडिंग लेंगे। तो जो पहला पॉइंट होगा ना, जहाँ आपने बेंचमार्क माना होगा, जहाँ पे आपने क्या करा होगा, बेंचमार्क माना होगा, या जहाँ पे आपने इनिशियल रीडिंग ली होगी, शुरुआत का फर्स्ट स्टेशन जो होगा, ए वाला पॉइंट जो होगा, वो रीडिंग जब आप लेंगे, तो वो कहलाएगी बैक साइड रीडिंग। वो क्या कहलाएगी, बैक साइड रीडिंग। उसके बाद आपने कोई दूसरी रीडिंग ली, तो वो आपकी हो सकती है या तो फोर साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड। अब फोर साइड कब होगी, इंटरमीडिएट साइड कब होगी, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फिर तीसरी रीडिंग ली, चौथी रीडिंग ली, पांचवी रीडिंग ली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सेकेंड रीडिंग ली, ये मैंने, सॉरी, फर्स्ट सेकेंड, वन रीडिंग, टू, थ्री, फोर। अब ये वाला पॉइंट मुझे इस पर्टिकुलर स्टेशन की लोकेशन से नहीं दिख रहा है, मैं अगली बार क्या करूँगा, लोकेशन चेंज करूँगा, इन इंस्ट्रूमेंट को उठा के कहाँ ले जाऊँगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ लगाऊँगा। तो जब मैं यहाँ लगाऊँगा ना इंस्ट्रूमेंट को, और अब जब रीडिंग लूँगा, तो जब तक मैंने इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करा, तब तक पहली रीडिंग बैक साइड और बाकी सारी इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगी। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट की जो लास्ट रीडिंग आने वाली है, जैसी लास्ट रीडिंग आएगी और मुझे लग रहा है इसके बाद नहीं देख रहे, तो मैं इसे किस में टर्न कर दूंगा, फोर साइड में, मैं इसे काय में दे दूंगा, फोर साइड के अंदर कर दूंगा। तो पहली रीडिंग बैक साइड में, फिर जब तक हो पा रही है सारी की सारी इंटरमीडिएट साइड में, और जहाँ से नहीं दिख रहा, लास्ट वाली रीडिंग कौन से वाले कॉलम में जाने वाली है आपकी, फोर साइड में जाने वाली है। अब जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करा, तो अगेन वो रीडिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, सेम पॉइंट पे। पॉइंट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यही आपके पास नोन पॉइंट है, बाकी सारे तो क्या है, आगे अननोन है। तो इसी पॉइंट पे हम वापस से लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैक साइड, और फिर आप चाहो तो सेम प्रिंसिपल है, या तो इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर साइड। तो इसी हिसाब से दोस्तों हम क्या करेंगे, बैक साइड, देन हमारा जब तक आ पा रहा है इंटरमीडिएट साइड, और लास्ट वाला फोर साइड।
फिर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए मैंने ए के बाद बी और सी पे तो इंटरमीडिएट साइड करा, डी पे मैंने एक बार फोर साइड में रीडिंग लिखी है, एक बार बैक साइड में लिखी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, डी पे मैंने रीडिंग काय में लिखी, एक बार फोर साइड में लिखी और एक बार बैक साइड में लिखी, आपको दिख रही होंगी। टेबल आप सही भर लेंगे तो बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। टेबल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा बड़ा दिक्कत वाली केस नहीं है। आपको लिखा है फोर्थ आफ्टर फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो ये फिफ्थ हो गई है मेरे पास, यहाँ पे कौन सी रीडिंग आ गई है, फिफ्थ आ गई है, देन सिक्स्थ, तो सिक्स्थ की वैल्यू कितनी आई है, 1.54। सिक्स्थ के बाद वापस से सेवन्थ क्या आने वाली है, वापस से सेवन्थ वाली रीडिंग क्या आने वाली है, बैक साइड आने वाली है। सेवन्थ वाली रीडिंग जो है वो हमारी क्या होने वाली है, बैक साइड होने वाली है। तो बताइए, अगर सेवन्थ बैक साइड है तो बैक साइड के जस्ट पहले क्या आता है, फोर साइड आता है, बैक साइड के जस्ट पहले क्या आता है, फोर साइड आता है, हाँ या ना? तो आपकी ये रीडिंग क्या कहलाएगी, सिक्स्थ वाली फोर साइड कहलाएगी। तो सिक्स्थ की वैल्यू कितनी है, 1.54। तो 1.54 काय में चला गया आपका, फोर साइड में चला गया, और 0.7 किस में आ गया आपका, वो आ गया आपका बैक साइड में आ गया। देन अब तो कोई पॉइंट चेंज नहीं हो रहा ना, तो एट्थ नाइन्थ, तो नाइन्थ एट बैक साइड के बाद आप चाहें तो काय में जा सकते हैं, इंटरमीडिएट साइड में, अगर पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है तो आपकी एट्थ रीडिंग काय में आ जाएगी, इंटरमीडिएट साइड में, किस में आ जाएगी, इंटरमीडिएट साइड में, 1.95। और शुरुआत की रीडिंग हमेशा बैक साइड में और लास्ट वाली रीडिंग हमेशा फोर साइड में आएगी, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। लास्ट वाली रीडिंग काय में आएगी आपकी, फोर साइड में, तो मैं लास्ट वाले को लिख लेता हूँ, फोर साइड में लिख लिया। अब ये आपका बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आरएल कैसे निकालते हैं। इनिशियल जो आपको बेंचमार्क, रिमार्क में मैं लिख देता हूँ, बेंचमार्क हमारा कितना दे रखा है, 500। तो 500 की वैल्यू कहाँ लिखाएगी, रिड्यूस लेवल में, क्यों, क्योंकि आपके लेवल की वैल्यू कितनी हो गई है, 500 है, जो आपको क्वेश्चन में पहले से ही क्या है, गिवन है। अब दूसरी चीज आती है कि सर हमने पहली रीडिंग आपने कहा 500 मान ली, तो फिर ये क्या है 2.25। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2.25 क्या है। जैसे ये आपकी कोई सरफेस थी, तो ये जो माना गया लेवल है ना इनिशियली, इसकी वैल्यू कितनी है, इस पर्टिकुलर लेवल की वैल्यू 500 है, कितनी है, 500 है। और ये जो डिफरेंस आ रहा ना ऊपर तक, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई ऊपर तक, वो कितनी आ गई है, मान लीजिए 2.25। तो हमारी टोटल हाइट कितनी हो गई है, 502.25। बात आई समझ में, क्योंकि 2.25 तो क्या है, जहां हमने स्टाफ को रखा है वहां से लेके इंस्ट्रूमेंट जहां तक देख पा रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन की हाइट है, कितनी है, 2.25। और माना हुआ सरफेस लेवल कितना था आपका, रिड्यूस लेवल कितना था, 500 था, तो कितना हो गया है, 502.25। तो आपकी सबसे पहले इनिशियल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो गई है, 502.25। मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ मैंने एक छोटी सी टेबल आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर ली थी ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई नहीं, आप समझ जाएंगे, मुझे पता है। सबसे पहले हमने आरएल ऑफ स्टेशन ए कितना दे रखा है, गिवन है हमारे पास 500। फिर नाउ अब हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट निकालना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन ए, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं दोस्तों, हम ए वाले पॉइंट पे। तो आर एल जो आपका रिड्यूस लेवल है वो कितना है, 500 है, हाँ या ना? और जो आपकी बैक साइड की रीडिंग है, कहाँ की रीडिंग है, आपकी बैक साइड की जो रीडिंग है वो कितनी दे रखी थी, वो आपने अभी देख रखी है, 2.25 हमारे पास गिवन है। तो टोटल कितनी हो गई है, 502.25 निकल आया ये वाला पॉइंट हमारा। फिर अगली कंडीशन हमसे क्या कहा है, कही जा रही है कि भैया हमने पहला पॉइंट लिया, अब इन दोनों दूसरा पॉइंट लिया, तो वहाँ हमारी रीडिंग आई 1.15। अब देखो 2.25 रीडिंग क्या है, ज़्यादा है, और 1.15 रीडिंग क्या है, कम है।
इसका मतलब हमारा लेवल वहाँ ज़्यादा होगा, तब तो स्टाफ पे रीडिंग क्या हुई है, कम हुई है। अदरवाइज हम नीचे, अगर मान के चलो आप गहराई में जाओगे तो स्टाफ की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी, और आप ऊंचाई पे जाओगे तो स्टाफ की रीडिंग क्या होगी, कम होगी। खैर, हमें एक दूसरी चीज़ की ओर बढ़ना है, हम वहाँ ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इसे निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आ गई है, 502, तो आप लिख लीजिए बी पॉइंट को निकालना है आपको। कौन से पॉइंट को निकाल रहा हूँ मैं, बी पॉइंट पे लेवल क्या होगा, आपको यही बोला ना रिड्यूस लेवल निकालने के लिए। आर एल क्या होगा, आर एल निकालना है, तो आर एल की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो सबसे पहले क्या करो, आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, यहाँ से हमने एच आई निकाल ली थी प्रीवियस वाले पॉइंट में, एच आई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 502.25। देन माइनस, आपको क्या करना है, माइनस करना है इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग में से, तो इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग है 1.50। कितनी रीडिंग है, 1.50। अब जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा तो ये आ जाएगा 500.75। कितना आ गया आपका आंसर, 500.75। तो यहाँ पे मैं लेवल पे कितना लिख देता हूँ, मेरा आंसर आ गया है 500.75। क्लियर है? थोड़ा सा आपको वीडियो की क्वालिटी मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत आ रही है शायद। ठीक है, अभी ज़्यादा ठीक है, ठीक है। देन फिर हम निकालेंगे सी वाले पॉइंट पे। सी वाले पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपका जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। जैसे ही मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखा सी वाले पॉइंट पे, 502.25, दो तीन मेथड हैं कि किसी जगह आप बुक में देखोगे तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के प्रीवियस रीडिंग में माइनस करना सिखाएंगे। मैं ये थोड़ा मुझे आसान लगता है इसलिए मैं ये वाला मेथड आपको बता रहा हूँ। आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, ये मेथड आप यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगी। तो कितना हो गया, 0.95। कितना आ गया, 0.95। माइनस करा तो आपका आंसर आ जाएगा 501.30 आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड वाले की वैल्यू 501.30। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमारी कहानी क्लियर हो गई है। फिर हम बढ़ते हैं डी पॉइंट पे। अब देखिए डी पॉइंट पे क्या करना होगा, डी पॉइंट पे सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है, 502.25। देन फोर साइड की रीडिंग को माइनस करना है। फोर साइड की रीडिंग कितनी दे रखी थी, फोर साइड डी वाले पॉइंट पे दे रखा है 2.10। तो मैंने माइनस करा 2.10 यहाँ पे, तो 2.10 को जैसे ही माइनस करा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50015। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका लेवल लिख दिया 50015। अब इस पॉइंट पे आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जैसे ही आपने आर एल निकाला, आर एल के बाद अब आपको वापस से एच आई निकालनी पड़ेगी। क्यों क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ये जो पॉइंट है ना, डेट इज़ कॉल्ड योर सी पी, चेंज इन पॉइंट, आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करा था ना, क्योंकि यहाँ से विजिबल नहीं था, तो अब आपने जैसे ही फोर साइड पर बैक साइड मिला, देखने से ही समझ में आ गया कि आपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करा है, शिफ्ट करा है। तो यहाँ क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी, वापस से एच आई निकालनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन के लिए एच आई निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आपके पास जो भी आर एल है, जो भी आपके पास उस पॉइंट पे आर एल है, आर एल कितना है मेरे पास, 500.15, प्लस आप उसमें बैक साइड की रीडिंग जोड़ दीजिए। बैक साइड की रीडिंग कितनी है, 2.90। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बैक साइड की रीडिंग यहाँ दे रखी है आपके पास 2.90, वो मैंने ऐड करी, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, 503.05, है ना। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, अब मेरे पास कितनी हो गई है, पहले कुछ और थी अभी कुछ और हो गई, कितनी हो गई, 503.05। तो ये मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिख दी। अब आखिर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब सवाल का पैटर्न बन चुका है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगला पॉइंट निकालने के लिए करेंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आई है, 503.0 माइनस आपके पास एच आई इंटर सॉरी आपके पास वैल्यू कितनी है फोर साइड की, 1.54, तो माइनस 1.54 करा। जैसे ही मैंने माइनस 1.54 करा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे
501.51, मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा 501.51। अब अगेन CP है, ये भी चेंज इन पॉइंट है, ये चेंज इन पॉइंट 1 था, ये चेंज इन पॉइंट 2 है, तो CP यहाँ पे मेरे पास फिर से आ गया। तो मैं क्या करूँगा, अब वापस से जो मेरे पास RL है, RL कितना आया है मेरे पास, RL की वैल्यू आई है 501.51 माइनस, और मेरे पास कितना है यहाँ पे बैक साइड की रीडिंग कितनी है 0.75, 0.75 माइनस कर दूंगा। जैसे ही मैंने 0.75 माइनस करा यहाँ पे, तो मेरे पास अब जो आंसर आ रहा है वो है 502.26। तो मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा, नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई 502.26। ये जो केस है ना, ये बहुत मैंने टिपिकल केस उठाया है, आपको इससे इजी देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर में, फिर भी आपको रिपीटेशन मिल जाए, चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए ये केस उठाया है। अब कुछ भी नहीं करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस, सॉरी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड करेंगे ना आप यहाँ पे, तो 502.26 माइनस 1.95 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 500.31। एंड अगेन हाइट ऑफ, सॉरी, RL जो आपका लास्ट पॉइंट है, फोर साइड निकालना है, तो आपका जो RL है उसमें से आप फोर साइड की वैल्यू क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अभी HI में से कर रहे थे, क्योंकि अभी एच आई था लास्ट वाले पॉइंट पे, आप चाहो तो एच आई में से माइनस कर दो, या फिर सिंपल सा तरीका है तो सिमिलर कर लीजिए आप, तो 500.31 माइनस 2.10। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 500.16। तो ये आपका यहाँ पे पूरा आंसर निकल आया है। अब आपका आंसर सही है या गलत है, इस बात को चेक करने के लिए मैं आपके लिए एक शीट तैयार कर रहा हूँ पहले से, अर्थमेटिक चेक लगाने के लिए। आप क्या करिए, सबसे पहले जो टोटल बैक साइड की रीडिंग है, मतलब 1, 2, 3 रीडिंग है बैक साइड में, इसका सम कर लीजिए। इसका सम आप करेंगे तो आपका आएगा 5.90। समय सम करेंगे किसका, बैक साइड का, किसका करेंगे, बैक साइड का। ऐसे ही सम कर लीजिए आप इंटरमीडिएट साइड का, तो कितना आ रहा है 4.40। सम कर लीजिए आप फोर साइड का, कितना आ रहा है 5.74। और ये जैसे ही आपने सम करे तो इन सम को आपने यहाँ लिख लिया। अब मैं आपको आपके आंसर को चेक करने का तरीका बता देता हूँ कैसे चेक करना है। ये मेरी एक शीट है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। अर्थमेटिक चेक लगाने का तरीका है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड ऑलवेज इक्वल्स टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। जो आपका रिड्यूस लेवल पहला था और आखिरी था उसके बराबर होगा। एक चीज़ और होगी, अगर आप